हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। यहाँ पे होम साइंस की क्लासेस चलती हैं और होम साइंस रिलेटिव सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको होम साइंस रिलेटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे TGT, PGT, NET, LT ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन, BA, MSc, MA, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8052731316। तो 8052731316 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स पा सकते हो। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो वो है मशीन के साधारण दोष और उनके निवारण। आपके सिलेबस में सिलाई मशीन है तो उसका मैंने पहले तो आपको सिलाई मशीन के जो भाग होते हैं सारे पुर्जे और सिलाई मशीन के उपयोगी सामान क्या होते हैं वो मैंने बता दिया है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मशीन के साधारण दोष और उसके निवारण के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में है तो पढ़ना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कि मशीन में सिलाई करते समय कुछ तो दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिससे सिलाई करने में कठिनाई होती है। ठीक है, और उन दोषों को दूर करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमें सिलाई अच्छी तरह से करनी है। तो पहला दोष क्या होता है, देखिए, धागा टूटना। बहुत कभी कभी होता है धागा बहुत जल्दी जल्दी टूटता है, और फिर क्या होता है जब धागा टूटता है तो फिर सिलाई करने में मन नहीं लगता है ना। फिर लगता है अरे बाबा धागा टूट रहा है, क्यों बाबा पिरो रहे हैं, बाबा टूट रहा है, तो उसका क्या कारण है, धागा क्यों टूटता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, मशीन की बखिया दो धागों से होती है, एक सुई वाला धागा जो ऊपरी धागा कहलाता है, दूसरा बॉबिन वाला धागा जो नीचे वाला धागा कहलाता है। तो सुनिए, मशीन की बखिया दो धागों से होती है, एक सुई वाला धागा जो ऊपरी धागा कहलाता है, सुई वाला ऊपर की ओर धागा होता है, ठीक है, दूसरा बॉबिन, एक बॉबिन होता है ना नीचे याद होगा आपको, बॉबिन वाला धागा जो नीचे वाला धागा कहलाता है। इन दोनों धागों के टूटने के कारण तथा उपाय भिन्न भिन्न है। चलिए जान लेते हैं। सुई का धागा टूटने के कारण, सुई ठीक से ना लगी हो, ठीक है, धागा ठीक से ना पुरोया गया हो, धागा मोटा या कच्चा हो, ऊपरी धागे का तनाव, जो ऊपर का धागा है उसका तनाव खिंचाव अधिक हो, धागे में क्या हो, बीच में गांठ हो, धागा कहीं अटक गया हो, ठीक है, शिटल में गंदगी भरी हो, सुई मुड़ी हो, ठीक है, या फ्लाई हील उल्टा चलाने से, ये कारण है सुई का धागा टूटने के। ठीक है, पहला है सुई ठीक से लगी ना हो सकता है, धागा ठीक से पुरोया ना गया हो, धागा मोटा हो या कच्चा हो, ऊपर धागे का तनाव अधिक हो, धागे में गांठे हो, धागा कहीं अटक गया हो, ठीक है, शिटल में गंदगी भरी हो, सुई मुड़ी हो, और फ्लाई हील उल्टा चलाने से क्या होता है, ऊपरी सुई का धागा टूट जाता है। इन दोषों का दूर करने का क्या उपाय है, तो धागा टूटने के कारण ये पता करना पड़ेगा किस वजह से धागा टूट रहा है। धागा टूटने के कारणों की जांच कीजिए और फिर हमें उन कारणों को दूर करना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे सुई टूटी है तो उसे बदल ले, सुई मुड़ी है तो भी उसे बदल ले, ठीक है, फ्लाई उल्टा ना चलाए, तो क्या कारण से ये धागा टूट रहा है, जो दोष है उसको दूर किया जाए और तो इससे क्या होगा, धागा जो टूटना वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि बॉबिन का धागा टूटने के क्या कारण होते हैं। तो बॉबिन का धागा टूटने का कारण होता है कि बॉबिन में धागा अधिक लपेटा गया हो, ठीक है, बॉबिन का पेज अधिक कसा हो, बॉबिन केस भली भांति ना लगा हो, नीचे का धागा कहीं फंस गया हो, ठीक है, बॉबिन में धागा अधिक लपेटा गया हो, बॉबिन का पेज हुआ है अधिक कसा हो, बॉबिन केस भली भांति ना लगा हो और नीचे का धागा कहीं फंस गया हो। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, जो दोष है उनको दूर करेंगे तो ये धागा टूटना बंद हो जाएगा। ठीक है, सुई टूटने के क्या कारण होते हैं, सुई कपड़े के अनुसार ना होकर अधिक मोटी या महीन हो, ठीक है, सुई ठीक से ना लगी हो, सुई अधिक नीची या ढीली लगी हो, ये सब कारण है, सुई टेढ़ी हो और जंग लगी हो, ये सब वो क्या कारण है, सुई टूटने के कारण होते हैं। ठीक है, फिर
सिलते समय कपड़ा खींचने से, फिर दोष निवारण है। इसका सुई भिन्न भिन्न मोटाई की होती है, महीन कपड़े के लिए महीन तरह मोटे कपड़े के लिए मोटी सुई होनी चाहिए, जिसे क्लैंप से पूरी तरह फिट करके पेज से भली भांति कर दिया जाता है। कमजोर या जंग लगी सुई ना लगाए, ठीक है। मशीन भारी चलने के क्या कारण होते हैं? देखिए, शटर में हो सकता है गर्द या कपड़े के रेशे फंसे हो, ठीक है, और मशीन में तेल जम गया हो। भारी क्यों चलती मशीन? तेल बहुत दिनों से ना दिया गया हो मशीन को। शटर या बॉबिन केस में धागा फंसा हो, बहुत दिनों से मशीन प्रयोग में ना लाई गई हो, बॉबिन बाइंडर फ्लाई हील से सटा हो, ठीक है। इसके क्या करेंगे, दोष कैसे, मतलब इसको कैसे दूर करेंगे? तो इसके दोषों का पता लगा के उसको देखिए कारण क्या, तो उसको हम लोग पता कर लेंगे ना, दोष किस कारण उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको जो कारण है उनको जांच लेंगे और उपयुक्त उपाय करके इनके दोषों को दूर कर लेंगे, ठीक है। कपड़ा ठीक से ना खिसकने के कारण क्या होते हैं? धागों पे क्या होता है, अधिक तनाव होता है। प्रेसर फुट का दबाव ठीक ना हो, स्टिच रेगुलेटर का नियंत्रण उचित ना हो, तो ये क्या होता है, कपड़ा ठीक से ना खिसकने के कारण होते हैं, ठीक है। फिर एक कपड़ा इकट्ठा होने के क्या कारण होते हैं? धागा ठीक से ना प्रयोग गया हो, धागा अधिक मोटा हो, प्रेशर फुट का दबाव उपयुक्त ना हो, धागे में अधिक तनाव हो, ठीक है। नीचे के धागे में गुच्छा आने के कारण क्या होते हैं? सुई टेढ़ी लगी हो, वस्त्र के अनुसार सुई महीन या मोटी ना हो, ठीक है। ऊपर का धागा ठीक से डाला ना गया हो, बॉबिन में धागा ढीला भरा गया हो, धागा बॉबिन केस के बाहर उचित रूप से ना निकाला गया हो, फिर डॉग या बॉबिन केस में कुछ फंसा हो, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं किसके, नीचे के धागे में गुच्छा आने के, ठीक है। फिर बॉबिन बखिया ठीक ना आने के क्या कारण होते हैं? नीचे ऊपर नीचे का धागा ठीक ना डाला गया हो, जो ऊपर नीचे का धागा है वो ठीक से ना डाला गया हो, दोनों धागों का तनाव समान ना हो, ऊपर नीचे धागों की मोटाई समान ना हो, सटल टूटा हो, सुई अधिक घिसी हो, तो इसके कारण बखिया ठीक नहीं आती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जान लिया कि मशीन के साधारण दोष उनके निवारण क्या होते हैं। ये आपके सिलेबस में है तो मैंने ये पढ़ा दिया, ठीक है। इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ लेंगे फिनिश हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।